नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आधुनिक तौर तरीकों से खेती करेंगे या फिर फसलों की उन्नत किस्मों का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं और बाजार में उसका मूल्य भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है हमारे आज के खेती किसानी सेगमेंट में खास आपके लिए, डालते हैं नजर। हमारे देश में लंबे समय से ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज भी करीब 65% लोग औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसे उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है। पौधों की ऐसी कई किस्में हैं जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का असर औषधीय पौधों की किस्मों पर भी पड़ा है। कई प्रजातियां आज विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन सही कदम उठाए जाए तो इन्हें ना सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। हमारे देश में कई तरह के औषधीय पौधे लोकप्रिय हैं, जैसे अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गुलर। बदलते हालात में एक बार फिर औषधीय पौधों के महत्व को तेजी से अपनाया जा रहा है, जिससे खेती के क्षेत्र में भी किसानों के लिए सुनहरे अवसर खड़े कर दिए हैं। किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती करके अधिक आय ले सकते हैं। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का हर संभव सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड वर्तमान में पूरे देश में औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर काम कर रहा है। इसके तहत उपज के मूल्य संवर्धन, भंडारण व विपणन के लिए सहायता दी जा रही है, जिसके तहत किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती करना, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाइयों की स्थापना, प्राथमिक प्रसंस्करण विपणन अवसंरचना तैयार करना। खेती में सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए करीब 140 प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। खेती की लागत से 75% की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत गुजरात राज्य में पिछले 3 साल के दौरान औषधीय पौधों की खेती गतिविधियों के लिए कुल 467,41,000 रुपए को मंजूरी दी गई है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज से अगले 2 सालों में 4,000 करोड़ रुपए के व्यय से हर्बल खेती के तहत 10,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को करीब 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। कृषि के दायरे बढ़ रहे हैं, किसान अब उन रास्तों पर चल रहे हैं जहां से सफलता की मंजिल साफ दिखाई देती है। हर्बल उत्पादों की ओर बढ़ते भारत में हर्बल पौधों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसका प्रयोग दवाइयों के साथ साथ कई तरह के उत्पादों में किया जा रहा है। इस बढ़ती उपयोगिता से विकास की अपार संभावनाएं बन रही है, जिससे किसान तो आत्मनिर्भर होंगे ही साथ ही स्वदेशी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। ये सर कैमोमाइल है और इसका उपयोग जैसे हम लोग हर्बल और यहाँ जैसे आते हैं लोग ले जाते हैं, विशेष तौर से इसका सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है शायद वो लोग बताते हैं। कैमोमाइल की नर्सरी हम लोग जब ठंडी शुरुआत होती है जैसे आपका दिसंबर वगैरह, दिसंबर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नर्सरी इसकी की जाती है, जैसे आपका मिर्च वगैरह का आय किसी चीज़ की जाती है। और इसके बाद नर्सरी जब हमारी 20 से 25 दिन की हो जाती है लगभग इतनी बड़ी बड़ी, तो हम उसको खेत में रोपाई इसकी लगभग 1-1 फुट पे रोपाई इसकी कर देते हैं। 1-1 फीट पे रोपाई करने के बाद पानी उसके पीछे पीछे पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद लगभग
10-15 दिन बाद हम इसकी एक निराई करवानी है, और निराई के लगभग एक महीने जब हमारा हो जाता है तो इसमें फूल आना चालू हो जाता है। तो इसमें फूल इतने आते हैं कि हमारे 10-15 मजदूर एक तरफ, जैसे वो कल का टूटा हुआ है, अब ये आज इसे इधर टूटेगा, इधर टूटने नहीं पाएगा, फिर से उधर हमारा फूल आ जाएगा। और फूल कलेक्शन करवा के हम इसको सुखवाते, जैसे जैसे होता है सुखवा के पॉलीथीन में पैक करके रखते रहते हैं। जैसे हमारा मटेरियल मतलब हमारा तैयार हो गया, हम व्यापारी आएगा यहाँ से लेके जाएगा, और रेट में अपना लगभग 25 से लेके 32 तक, मतलब क्वालिटी के ऊपर होता है, जैसे हम क्वालिटी बना लें। जैसे अपना ये फूल ये है कि ऐसे इसमें ये पत्ती वगैरह नहीं है, और ये सूखने के बाद इसी तरह अगर बना रह गया इस तो इसकी इसका रेट हो जाएगा हमारा लगभग 30 और 32 हजार रुपए किलो। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं जिससे कि पशुपालन करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। पशुपालन करते वक्त कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जिनको बरतने की आवश्यकता है, और कैसे आप अब बदलते मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, ये तमाम बातें हम आपको इस सेगमेंट के जरिए बताते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में क्या खास है आपके लिए। हमारे देश में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छोटे बड़े किसान या मछली पालक इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस व्यवसाय में जोखिम को कम करने और समस्या को दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि अब मछली पालन करने के लिए बड़े तालाबों की जरूरत नहीं, छोटे पैमाने पर मछली पालन करके भी बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन किया जा सकता है। इस नई तकनीक को बायोफ्लॉक्स कहते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक मछली पालन का एक आधुनिक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें सीमित स्थान में आसानी से मछली पालन किया जा सकता है। इस तकनीक में टैंक सिस्टम में उपकारी बैक्टीरिया के द्वारा मछलियों की विष्ठा और अतिरिक्त भोजन को प्रोटीन सेल में बदलकर मछलियों के भोज्य पदार्थ में रूपांतरित कर दिया जाता है। बायोफ्लॉक्स शैवाल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और कार्बनिक पदार्थों जैसे मछली की विष्ठा और अतिरिक्त भोजन के समुच्चय होते हैं।
इसमें 25 से 50 प्रतिशत प्रोटीन व 5 से 15 प्रतिशत वसा होती है। इस तकनीक में पानी की बचत के साथ साथ फीड की मात्रा में भी कम खर्च होता है, इसीलिए इससे कम खर्च में आत्मनिर्भर बना जा सकता है। इस तकनीक के लिए सामान्य सीमेंट या तारपोलिन टैंक की जरूरत होती है। इसके साथ ही एयरेशन सिस्टम, विद्युत उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मत्स्य बीज का होना पहली प्राथमिकता है। इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया पलता है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, जिसको 24 घंटे हवा की जरूरत होती है, तभी वो जीवित रहता है। मछली पालकों को तालाब की निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि मछलियों को सांप और बगुला खा जाते हैं, जबकि बायोफ्लॉक वाले जार के ऊपर शेड लगाया जाता है। इससे मछलियां मरती भी नहीं है और किसान को नुकसान भी नहीं होता है। एक हेक्टेयर के तालाब में हर समय 1-2 इंच के बोरिंग से पानी दिया जाता है, जबकि बायोफ्लॉक विधि में 4 महीने में केवल एक ही बार पानी भरा जाता है। गंदगी जमा होने पर केवल 10% पानी निकालकर इसे साफ रखा जा सकता है। टैंक से निकले हुए पानी को खेतों में छोड़ा जा सकता है। बायोफ्लॉक में पाली जाने वाली मछलियाँ पंगेसियस, तिलापिया, देसी मांगूर, सिंघी, कोई कार्प, पापदा, कॉमन कार्प। इस तकनीक से 10,000 लीटर क्षमता के टैंक से लगभग 6 माह में 3.4 क्विंटल मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा महंगी मछलियों का उत्पादन कर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। कम लागत, सीमित जगह में अधिक उत्पादन, अनुपयोगी जगह का बेहतर इस्तेमाल, पानी की कम मात्रा में मछली पालन, कम से कम श्रमिक लागत में ज्यादा लाभ। किसानों और मछली पालकों को सरकार हर संभव सहायता दे रही है। इस व्यवसाय में केंद्र सरकार 75% तक ऋण देती है, जिससे किसान अपनी आय के साधनों को बढ़ा सके। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मछली पालकों की क्षमता का विकास कर बेहतर आयाम जोड़े जाएंगे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन, अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका मुहपका यानी FMD, गला घोंटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्णजंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब,
सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बने हैं। हम उम्मीद करेंगे कि उनकी कामयाबी की ये कहानी देख आपको भी ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। तो फिर आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये दास्तां उन्हीं की मुज़बानी। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यवसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती हैं कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से। मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारे प्रोडक्शन है, ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना होए। तो वहीं PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाह देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी। मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा,
वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम उसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट हम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाड सर, जो हमारे पाबी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है, जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफ़ी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं। तो हम उन चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं भाई, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हम थ्रू आउट द ईयर ग्रो करें। तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंडर हम ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकते हैं। तो हम उसी प्रोजेक्ट के लिए हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर प्रॉपर इनक्यूबेशन के साथ हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसी के साथ, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या था कि हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम कैसे अपने जो प्रोडक्ट को आगे लेके जाएं, तो जैसे हम इनक्यूबेशन के अंडर यहाँ पे आए हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर PAU एग्रीकल्चर में, तो उससे हमारा काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि हमको काफ़ी नॉलेज मिली है कि कैसे अपनी मार्केटिंग करनी है, कैसे अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करनी है, कैसे हम इसे किसी जगह पे बेच सकते हैं और कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। तो उससे हमने इसी जब हमने ये स्कीम को ज्वाइन किया था उसके बाद से ही हमारा काफ़ी मतलब प्रोडक्ट रेंज भी हमने बढ़ा दी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बिज़नेस स्टार्ट हुआ है हमें नॉलेज मिली है तो हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स भी नए ऐड कर दिए हैं। जैसे हमारे सैलड बॉक्सेस भी आते हैं, मतलब सैलड बॉक्सेस में क्या होता है काफ़ी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का मिक्स देते हैं हम, जिसमें हम एक्जॉटिक वेजिटेबल्स जैसे कि लेटस की काफ़ी वैरायटीज़ हो गई, बेजिल की काफ़ी वैरायटीज़ हो गई और चेरी टमाटोज़ हो गए और केल की 2-3 वैरायटीज़ हो गई, ये सारी की सारी हम एक सैलड मिक्स किट देते हैं जिसके जिसे कोई कस्टमर अपने घर पे सैलड बना के अच्छे से खा सकते हैं। जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो कोविड में हमारे कि हमें इम्यूनिटी के लिए कुछ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छी हैं, जिनमें विटामिन सी, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब अगर हम इनको डाइट में अच्छे से यूज़ करते हैं तो हमें दूसरी जैसे मेडिसिन के ऊपर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अगर इनको जैसे माइक्रोग्रीन अगर 50 ग्राम डेली लेते हैं तो उससे क्या है कि हमारे जो बॉडी का जितना भी मतलब न्यूट्रिशन नीड चाहिए हमें वो पूरी की पूरी हमें मिलती है। तो अगर कोई भी आदमी इसको अपनी डाइट में लेगा तो उसमें क्या है कि उससे जो बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं उसकी रोकथाम होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी पॉलीफेनॉल्स ऐसी जैंथोविल्स लाइक ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और इन चीज़ों को रोकते हैं। और कोई भी ऐसे अगर और कोई बीमारी होगी जैसे लेज़ीनेस हमारे में आ जाती है, क्योंकि वो लेज़ीनेस आती है किस वजह से, हमारी न्यूट्रिशन नीड नहीं पूरी है, मतलब हिडन हंगर है हमारे अंदर। समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, यही वजह है कि युवा वर्ग नौकरी पेशा होने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इससे वे और भी लोगों को अपने साथ जोड़कर बेरोजगारी को कम कर देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखी कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे हैं QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप गांव किसान टाइप कीजिए और वहां पे हमारे पहले के कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप सभी अपना रखिए ख्याल, नमस्कार।